सुंदरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जोन सुंदरनगर ने निर्णय लिया है कि इस जोन के तहत आने वाले सभी केमिस्ट और ड्रगिस्ट अपनी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रखेंगे। जोन के महासचिव विशाल गुप्ता का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार दुकानों को खुला रखने का समय सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक किया गया था, लेकिन इस वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बाजारों की और लोगों का रुख नहीं हो रहा है, जिसके चलते दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जहाँ एक और व्यापारी वर्ग ने भी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है, इसी संदर्भ में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और कोई आपातकाल स्थिति में किसी को दवा की जरूरत पड़ती है तो वह दवा विक्रेता अपने स्तर पर सुविधा मुहैया करवा सकता है। इसके लिए वह इस महामारी के अपने स्तर पर स्वतंत्र है। एसोसिएशन के महासचिव विशाल गुप्ता ने कहा कि एसोसिएशन ने ऑनलाइन चर्चा का निर्णय लिया है, ये बदलाव जनहित में किया गया है। उन्होंने कहा कि उस बात को मद्देनजर रखते हुए आम जनता अपनी जरूरतमंद की दवाएं इस समय अवधि के भीतर खरीद सकता है और आदेशों के तहत वे अपनी दवाई भी दे सकता है, ताकि उनको इस महामारी के चलते कोई भी परेशानी पेश ना आए और सुविधाएं मुहैया हो सके। चौहान ने इस महामारी के चलते आम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें और जिला प्रशासन व सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं विशाल गुप्ता, केमिस्ट एसोसिएशन सुंदरनगर की तरफ से आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम सभी केमिस्ट सुंदरनगर जोन में अपनी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की खुली रखेंगे। वैसे जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दुकानों का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक है, लेकिन इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बाजारों में लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम अपनी दुकानों का समय 9 से 6 बजे तक रखेंगे। ये निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करके हमने लिया है और हम आम जनता से अनुरोध करते हैं कि इस तय समय में ही अपनी जरूरत की दवाइयां लें और हमारा सहयोग करें। आपातकाल की स्थिति में हमने सभी केमिस्टों को बोला है कि वो अपना मोबाइल नंबर अपनी दुकान के बाहर लिखें, ताकि किसी को भी आपात की स्थिति में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।